सम्मेलन की शुरुआत सर्वप्रथम भी पूरे बिहार एवं बक्सर लोकसभा सहित सभी मतदाता बंधुओं को मैं अभिनंदन और स्वागत के साथ शुरू कर रहा हूं। साथियों, बिहार सहित देश का लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका। नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बक्सर से राष्ट्रीय जनता दल से नव निर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने जा रहे हैं। कल इसकी जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए दी है। आपको बताते चले कि नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह ने राज्य सरकार पर भी जबरदस्त हमला बोला है और साफ तौर पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें किसान विरोधी तक कहते हुए नजर आ रहे हैं सुधाकर सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में किसानों की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, बिजली की स्थिति अच्छी नहीं है, बद से बदतर हाल होता जा रहा है किसानों का, लेकिन जो राज्य सरकार है वो मौन धारण करके बैठे हुए है। कई सवाल दागते हुए नजर आ रहे हैं सुधाकर सिंह। इसी के साथ साथ किस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर बिहार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह। हम छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। सम्मेलन की शुरुआत सर्वप्रथम भी पूरे बिहार एवं बक्सर लोकसभा सहित सभी मतदाता बंधुओं को मैं अभिनंदन और स्वागत के साथ शुरू कर रहा हूँ। साथियों, बिहार सहित देश का लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका। पिछले 4 महीने से जनमानस की समस्याओं पर विषय रखने का अवसर बिहार के राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को अवसर नहीं मिला। बहुत दुखद विषय है। जिस मुद्दे के आधार पर हम आप सभी साथियों को आज बुलाए हैं, पूरे बिहार में बिजली का हाहाकार है। किसानों को खेत में पटवन के लिए नहरों में पानी की व्यवस्था नहीं। 50-60% गाँव में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं। इस विषम परिस्थिति में बिहार की जो सरकार है वो जश्न मनाने के मूड में अभी भी पड़ी हुई है, जिसके चलते पूरे बिहार की खेती बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। 1 जून को बिहार सरकार ने एक परिपत्र जारी किया कि 1 जून से बिहार के किसानों को नहरों में पानी दिया जाएगा, जबकि पहले का जो रोस्टर था वह 25 मई को ही नहरों में पानी छोड़ दिया जाता था। यह दुखद विषय है कि 1 जून जो सरकार ने मुकर्रर किया था तारीख कि पूरे बिहार के नहरों में हम पानी छोड़ देंगे, आज 13 जून जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, बिहार के किसी भी नहरों में पानी इन लोगों ने छोड़ने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि उसका एक नियम है कि जो रिजर्वायर है जहाँ से पानी रिजर्व रहता है नहरों में छोड़ने के लिए, वहाँ एक रिक्वजिशन लेटर बिहार सरकार की तरफ से, सिंचाई विभाग के तरफ से जाता है कि हमको इतना पानी की आवश्यकता है और उस हिसाब से उस रिजर्वायर से पानी छूटता है। लेकिन दुखद है, कल शाम तक पूरे बिहार में शायद ही किसी रिजर्वायर से पत्र जारी किया गया हो। कई रिजर्वायर इतने दूरी पर उपस्थित थे बिहार में, जैसे कि मध्य प्रदेश में बाणसागर, उत्तर प्रदेश में रिहन, कि अगर आज रिक्विजिशन जाए 13 तारीख को तो पानी मिनिमम 1 सप्ताह लगता है वहाँ से आने में। अमूनन अगर आज भी, अगर मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार सरकार की सरकार अगर जागेगी नींद से, तो भी 1 सप्ताह लगेगा पानी आने में। 8 जिला का पटवन, बिहार का जो चावल का कटोरा, धान का कटोरा कहते हैं, सोन का इलाका में पानी रिहंद और बाणसागर में रहते हुए एक पन्ने का चिट्ठी बिहार सरकार के द्वारा नहीं निर्गत करने के चलते वह पानी मुझे नहीं मिला। और बिहार के किसानों का जो बिजड़ा डालने का टाइम है 25 मई शुरू हो जाता है, रोहन नक्षत्र जिसको बोलते हैं आज, जबकि नॉर्थ साइड में, इस राज्य के बिहार के नॉर्थ साइड में वहाँ 15 मई से ही बीज डालने का काम शुरू हो जाता है। ये दुखद है। करमचक डैम जो है रोहतास और कैमूर के बॉर्डर पर, जिसके लिए एक पत्र 1 घंटे में भी जा सकता है,
वहाँ पर भी अभी तक मेरी खबरों के हिसाब से कोई पत्र जारी नहीं हुआ। इस दुखद परिस्थिति से बिहार में केवल अनाज का ही संकट नहीं है, उन नहरों में पानी आने से जानवरों को भी गांव देहात में पानी पीने का व्यवस्था हो जाता है, पक्षियों को भी पानी, जब पूरे एकदम रेगिस्तान जैसा हो जाता है इलाका उसमें पक्षियों को भी पानी मिलता है, यहाँ तक कि नदी के किनारे जो बसे लोग हैं वो पानी निकाल करके सब्जी की खेती करते हैं बिहार के लोग नदियों के किनारे, अगर वह पानी नदियों में भी छोड़ दिया जाए तब। लेकिन आप देखें तो पूरा एक महीना में पूरे बिहार की खेती को बर्बाद कर दिया गया। जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जिनको बिहार के किसानों से कोई भी चिंता नहीं है। इस पानी के आने से एक और भी फायदा होता है, जो भूमिगत जल है वह भी रिचार्ज होता है। तो जो लगे हैं पंप बोरवेल लगे हैं गांव में, या जो आपको लगे हुए हैं पंप सेट या हैंड पंप जिसको बोलते हैं, हैंड पंप को भी पानी मिलने लगता है अगर नहरों में नदियों में पानी आने से। इस तरह से देखा जाए तो पीने का भी पानी संकट पैदा हुआ, खेती का भी संकट पैदा हुआ और पर्यावरण का भी नुकसान हुआ। जितने पेड़ पौधे हैं गांव देहात में वो सूख रहे हैं पानी के अभाव में। इसके अलावा जो दूसरा सोर्स है हमारे, जिससे हमको पानी मिल सकता है थोड़ा, या फिर हमारी गर्मी से राहत मिलता है, वो बिजली की। पूरे बिहार में सिस्टम इनका फेल है, लो ओवरलोडिंग के चलते लोड शेडिंग पूरे ग्रामीण सेक्टरों में जबरदस्त है। आप शहर में रहते होंगे, मैं शहर में नहीं रहता तो मैं नहीं बता सकता कि शहरों में ओवरलोडिंग है कि नहीं है, लेकिन बक्सर शहर में भी कई कॉलोनी के लोगों ने कहा कि ओवरलोडिंग की समस्या है और लोड शेड कर रहे हैं, 4 घंटा 6 घंटा रात में बिजली बंद कर रहे हैं। अब दावा था सरकार का, इस राज्य सरकार का, कि हमारे पास बिजली सरप्लस है, लेकिन सरप्लस बिजली है तो फिर ये लोड शेडिंग कहाँ से सवाल पैदा हो गया। कहीं ना कहीं ये बिजली की अनियमितता है, सरकारी आंकड़े में हेरा फेरी है, या यह सेंट्रल ग्रिड को ये बिजली बेचते हैं। क्योंकि इस समय बिजली महंगी हो जाती है तो बिहार के पदाधिकारी सेंट्रल ग्रिड को ये बिजली महंगी दर पर बेच देते हैं, और फिर इसके बाद ये खेल कई बार हमने देखा है। संभावना में इस बात का भी मैं व्यक्त कर रहा हूँ, इसकी भी जांच होगी तो बात खुलेगी कि बिहार में बिजली रहते हुए भी इन लोगों ने लोगों को बिजली नहीं दिया। इतना भयावह स्थिति है जिसका कल्पना नहीं कर सकते। इस गर्मी में पटना के सत्ता प्रतिष्ठान, मंत्री हो या सेक्रेटरी, केवल उनका एसी बंद कर दीजिए, एयर कंडीशन, तो पता चलेगा कि वो बेहोश हो जाएंगे। इतनी भयानक गर्मी में बिना बिजली के लोग कैसे रह रहे हैं बिहार के लोग, बड़े क्षेत्रों में नहीं बिजली, यह दुखद है। एक बात मैं अंतिम बात कह के इसको समाप्त करना चाहता हूँ कि इस राज्य के किसानों के साथ कैसा मापदंड, जिन लोगों ने कहा था कि एक देश दो विधान नहीं होंगे, कि हमारी सबसे बड़ी जीत थी कि इंडिया गठबंधन ने जिन मुद्दों के आधार पर मैंने इस्तीफा दिया था, मंडी कानून, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बनाने का, यह इंडिया गठबंधन ने देश के अपने मैनिफेस्टो में इस विषय को लिया कि हम देश में जब सरकार बनाएंगे तो मंडी कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हम देंगे। एक बड़ी हमारी जीत रही इस मुद्दे पर। और आप देखेंगे कि किसान आंदोलन के ही गढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के उस इलाके में जो सोन का इलाका, जहाँ किसानों का बहुलता है, इन्हीं इलाकों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। यह हमारे मुद्दे की जीत है, मेरी जीत उससे कम तर जीत है। विधानसभा चुनाव को लेकर आप किसान आंदोलन तेज करेंगे बिहार में? हमारे किसान आंदोलन देश में भी और राज्य स्तर दोनों ही जगहों पे हमारे किसान आंदोलन तेज करेंगे, क्योंकि जो बैठे हुए जो सरकार लोग हैं, गूंगी बहरी सरकार पटना और दिल्ली में, वो किसान विरोधी लोग हैं, और जब तक इनसे हम लोग लड़ेंगे नहीं तब तक किसानों के पक्ष में भलाई का कोई उम्मीद नहीं रखते इनसे।